गुड मॉर्निंग बच्चों, लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करी थी, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन लेसन। ये लेसन किस नंबर का है? तो देखो, इस सॉल्यूशन लेसन में आपके कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। पहले तो आपसे बात करोगे विलियम की परिभाषा, इसके बाद आप पढ़ोगे विलियम के प्रकार, फिर पढ़ोगे आप सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई पढ़ोगे आप विलेयता। विलेयता दो प्रकार की होती है, एक होती है ठोसो द्रव में विलेयता, ठोसो द्रव में विलेयता। दूसरी होती है गैसों की द्रव में विलेयता, ठोसो द्रव में विलेयता और गैसों के द्रव में विलेयता। यहां पर पढ़ेंगे आप ठोसो द्रव में विलेयता और ठोसो द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आप जानते हो कि इनको प्रभावित करने वाले कारक ताप दाब तो है, इसके साथ ही विलेय हो जाएगी प्रकृति। इसी तरह गैसों द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक यानी गैसों की प्रकृति, विलेय गैस की प्रकृति हो जाएगी प्रकृति, उसके बाद में ताप और दाब। यहाँ पर ही पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये एग्जाम में आता है और आ चुका है कई बार। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता, विलेयता के बाद हम पढ़ेंगे इसमें वास्ता, वास्ता और वास्ता का आपेक्षिक अवमान, ये दोनों मोस्ट है एक नंबर की परिभाषा है दोनों। वास्ता का अपेक्षिक अवमान और सॉरी अवमान, और इसे पढ़ेंगे हम राहुल का नियम। राहुल ने दो नियम दिए, पहला नियम है वास्तशील विलेय युक्त विलेय के लिए राहुल का नियम। दूसरा है वास्तशील विलेय युक्त विलेय के लिए राहुल का नियम। ये दो नियम है, ये दो नियम के एग्जाम में आते हैं। इसके बाद पढ़ोगे आप राहुल के नियम के आधार पर विलेय के प्रकार। राहुल के नियम के आधार पर विलेय दो प्रकार के होते हैं, आदर्श नियम विलेय और दूसरा होता है अनादर्श विलेय। अनादर्श नियम भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। दूसरा आता है नाशन विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है भाई, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। यहां से आपसे पूछ सकता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल, इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले
के एग्जांपल छूट सकता हूँ यहाँ से, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद आता है स्थिर क्वांटी मिश्रण, स्थिर क्वांटी मिश्रण ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे हम विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म, विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म चार हैं और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों एग्जाम में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्या गुणधर्म आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पहला है आपका वास्तव में अपेक्षित अवनमन क्वथनांक उन्नयन, भाई अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा है दिमाग अवनमन और नंबर चार है पराशर दाव, ये चारों नोट कर लेना, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कर लो फिर बार। नोट कर लिया भाई, तो देखो आगे नोट करो इसी पे। प्रश्नता के बाद में आता है आपका वन टॉप नाम के बाद आप पढ़ोगे सम पराशरी विलियम, छोटी छोटी सी परिभाषाएं अति पराशरी विलियम। इसके बाद पढ़ोगे आप अल्प पराशरी विलियम, असामान्य द्रव्यमान, ये आपके दूसरे लेसन के टॉपिक हैं, इनको आप अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट कर लेना। अब वन बाई वन करके हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं विलियम से। देखो भाई आप पढ़ोगे आप विलियम क्या है, सबसे पहले बात ये आती है कि विलियम क्या है, आपको विलियम की परिभाषा अच्छी तरह जाननी चाहिए। तो देखो विलियम की परिभाषा, विलियम क्या है समझो इसको, विलियम दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय वह घटक होता है जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और विलायक वह घटक होता है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, एक है विलय और दूसरा है विलायक। विलय वह पदार्थ है वह घटक है जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और विलायक वह घटक है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। तो देखो जब विलय को विलायक में घोला जाता है
एक सम्मांग मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? सम्मांग मिश्रण प्राप्त होता है और ये सम्मांग मिश्रण कहलाता है विलयन। क्या कहलाता है भाई? विलयन। जैसे परिभाषा क्या बनी भाई? क्या परिभाषा बनी? तो देखो भाई, जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो एक सम्मांग मिश्रण प्राप्त होता है। इस सम्मांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? विलयन कहते हैं। अब बात आती है सम्मांग मिश्रण की। तो सम्मांग मिश्रण क्या है और इसी के साथ हम लोग विषमांगी मिश्रण तो हम कह सकते हैं कि भाई मिश्रण है वो दो प्रकार का है। मिश्रण किस प्रकार का भाई? दो प्रकार का है। एक तो है सम्मांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण और सम्मांगी मिश्रण देखो क्या है। सम्मांगी मिश्रण है मिश्रण जिसको बनाने वाले योगी की प्रावस्था सम्मान होती है, सम्मांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण जिसको बनाने वाले योगी की प्रावस्था अलग अलग होती है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो देखो सम्मांगी मिश्रण आपने यहाँ पर एक गिलास लिया। गिलास आप ऐसे करना, कांच का ले लेना, शीशे गिलास ले लेना और इस गिलास में आप पानी डालना और इस पानी में आप डाल देना चीनी। आपने पानी में क्या ऐड की? चीनी ऐड की। चीनी को पानी में घोलने पर चीनी के पार्टिकल, पूरे पार्टिकल समान रूप से विघटित हो जाते हैं पानी में, पूरी तरह से घुल जाता है। तो देखो इसमें आप किसी भी जगह से टेस्ट कर सकते हो, गिलास के किसी भी कोने से थोड़ा सा पानी आप टेस्ट कर सकते हो तो आपको प्रत्येक जगह से लगेगा मीठा लगेगा। तो आप कह सकते हो कि भाई चीनी के पूरे पार्टिकल घुल चुके हैं, पूरे कण घुल चुके हैं पानी में, पूरी तरह डिजोल्व हो चुके हैं। इसको सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो आप ये भी इसी के साथ ये भी कह सकते हो कि सामान्य मिश्रण को किसी सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है सामान्य मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण को क्या होगा? विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल एक आपने लिया कांच का गिलास। इस कांच के गिलास में आपने पानी और इसमें आपने रेत ऐड कर दिया, यानी मिट्टी आपने इसमें घोल दी, डिजोल्व कर दी। तो आप देखोगे कि हमने इस पानी में रेत डाली, रेत को आप जब तक घोलते रहोगे तो रेत इसमें घुलनशील रहेगी। पानी को आपने इससे छोड़ दिया या इसको इसमें छोड़ दिया तो रेत है जो इस गिलास के पैंदे में बैठ जाएगी। तो ये एक सम्मांगी मिश्रण नहीं है क्योंकि रेत और पानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये एक सम्मांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण को आप अलग कर सकते हो, छान कर निताल कर कैसे भी आप इसको अलग कर सकते हो। तो ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण आपने देख लिया कि रेत इसके पैंदे में बैठ गई, लेकिन जब भी आपने विषमांगी मिश्रण में देखा कि चीनी जो पानी में पूरी तरह घुल चुकी है, इसको आप सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे कि कोई भी विलयन बनता है, हम कह सकते हैं कि जब भी सम्मांगी मिश्रण बनता है तो विलयन प्राप्त होता है। विलयन प्राप्त होगा, जब विलयन प्राप्त होगा तो आप कहोगे सम्मांगी मिश्रण बना है। क्या कहोगे? सम्मांगी मिश्रण बना है तो क्या प्राप्त होगा? आपको विलयन प्राप्त हुआ है। आगे सुनिए पहली बार को देख लो। विलयन दो वर्गों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय वह होता है जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है और विलायक वह होता है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। आगे बात समझिए भाई। तो देखो जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो एक सम्मांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ये सम्मांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विलयन कहलाता है। तो मिश्रण इस प्रकार मिश्रण आपके दो प्रकार के, एक तो असामान्य मिश्रण और दूसरा होगा आपका विषमांगी मिश्रण। सामान्य मिश्रण वह होता है जिसको बनाने वाले योगी की प्रावस्था समान होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसको बनाने वाले योगी की प्रावस्था अलग अलग होती है। तो सामान्य मिश्रण है जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पानी में आपने चीनी को डिजोल्व किया, घोला, तो पानी में चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, ये आपका सामान्य मिश्रण प्राप्त हुआ। विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल दे सकते हो, पानी में आपने रेत को घोला, रेत जब तक आप मिलाते रहोगे तब तक रेत इससे घुली रहेगी, लेकिन आपने जैसे ही इसको उसमें छोड़ दिया तो रेत है जो पानी इस पानी में या गिलास के पैंदे में बैठ जाएगी। ये है विषमांगी मिश्रण। आगे बात समझिए भाई। इसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह
आप विलियन के पास लिखोगे तो लिखो विलियन, विलियन की परिभाषा आप विलियन, विलियन की परिभाषा क्या लिखोगे आप, जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो एक सम्मानी, तो एक सम्मानी मिश्रण प्राप्त होता है, सम्मानी मिश्रण प्राप्त होता है, इस सम्मानी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इस सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं भाई, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका आप एग्जांपल लिख दो, पानी प्लस चीनी का मिश्रण, पानी प्लस चीनी का मिश्रण, यानी पानी में आपने क्या बोला, चीनी बोला। विलय तो लिखो आप इसमें विलयन दो घटकों, विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है। पहला घटक है विलय, विलय की परिभाषा क्या लिखोगे, वह घटक जिसकी विलयन में, वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, विलय कहलाता है। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है विलय कहलाता है। क्या कहलाता भाई, विलय कहलाता है। नंबर दो, विलायक वह घटक जिसकी विलयन में, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, होती है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है भाई। आप यहां पर जैसे इसके एग्जाम्पल नाम को लेके क्या करोगे आप, जैसे चीनी नमक, चीनी नमक, चीनी सी विलायक, आपको पता है सबसे अच्छा विलायक क्या है, पानी है, तो आप यहाँ पानी ही ले लो, चलोगे पानी भी अच्छा, ठीक है भाई, नोट कर इसे। आप चाहे तो इसके सभी शॉट भी ले सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह विलय, विलयन आपको समझ आ गया है, विलय की परिभाषा, विलायक, ये छोटी छोटी परिभाषा है इनको याद कर लेना। तो देखो अब पढ़ेंगे विलयन के प्रकार और विलयन के प्रकार। पहले काम करो विलय और विलायक के आधार पर, जैसे भाई
किसी भी विलयन में विलायकत एक ही होता है, ये बात ध्यान रखना। इसको इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी विलायक है उसमें विलायक क्या रहेगा भाई, विलायक एक ही विलायक रहेगा, लेकिन विलायक विलय है जो एक से अधिक हो सकते हैं, विलय पदार्थ आपके एक से अधिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस आधार पर आपके जो विलयन है वो विभिन्न प्रकार है, जैसे आप लिखोगे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और नंबर तीन आता है आपका चतुरंगी विलयन। तो देखो विलायक पदार्थ एक रहेगा, विलय पदार्थ आपके एक से अधिक हो सकते हैं, इस आधार पर आपके विलयन विभिन्न प्रकार हुए, तीन प्रकार हुए। तो देखो कैसे कैसे समझो एक बार, फिर उसके बाद नोट कर लेना। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब है कि विलायक तो एक है, विलायक एक और विलय पदार्थ भी आपका एक ही होगा, एक ही विलय होगा, कितने होंगे भाई जैसे आपके, कितने भाई दो, एक विलायक और एक विलय, अंक कितने हुए भाई दो अंक, दो अंक हुए, और इस प्रकार कहलाया द्विअंगी विलयन। तो इसी आगे देखो त्रिअंगी विलयन में भाई विलायक आपका एक और विलय पदार्थ आपके दो, दो विलय हैं तो विलय हुए तीन, टोटल कितने हुए भाई तीन, इस प्रकार यह हुआ त्रिअंगी विलयन। आगे देखो चतुरंगी विलयन में विलायक आपका एक ही है लेकिन विलय पदार्थ आपके कितने हो गए तीन, टोटल कितने हो गए चार हो गए, तो यह कहलाया चतुरंगी विलयन। तो एक एग्जांपल के साथ समझो इसको। तो देखो नोट करो पहले द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन क्या समझा, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक तथा विलय क्रमशः एक एक होते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दो, एक अंक, अंक कितने बेचे दो, देखो विलय आपने ले लिया जल प्लस विलय, विलय आपने ले लिया पर चीनी, क्या बना भाई विलयन बना, और विलयन कौन सा बना भाई द्विअंगी विलयन बना, ठीक है भाई, अंक कितने हुए एक एक, तो टोटल क्या हो गया भाई द्विअंगी विलयन। तो आप कह सकते हो जल और चीनी का विलयन द्विअंगी विलयन का एग्जांपल है। इसी प्रकार आपका त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन परिभाषा क्या होगी भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलायक एक हो तथा विलय पदार्थ दो होते हैं, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल को भी आप भाई विलायक तो आपके एक ही है लेकिन विलय पदार्थ आपके दो हैं, तो देखो आपने लिया विलायक जल, एक विलय पदार्थ लिया आपने चीनी, और इस चीनी में आपने डाल दिया नमक, हम कितने हो गए भाई टोटल, तो विलयन कौन सा बना भाई त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, विलयन कौन सा बना भाई त्रिअंगी विलयन। इसी प्रकार आपका तीसरा है चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन ऐसा विलयन
जिसमें विलायक एक हो तथा विलेय पदार्थ तथा विलेय पदार्थ तीन होते हैं, चतुरंगी विलयन कहलाता है, चतुरंगी विलयन कहलाता है। इसका एग्जांपल आप नोट करो, आप जल प्लस चीनी प्लस नमक, आप इसमें नींबू का रस ले लो, नींबू का रस क्या बना भाई, चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन। तो देखो भाई, एक विलायक और तीन विलय और कितने हो गए भाई, चार। तो विलयन कौन सा बना भाई, चतुरंगी विलयन। इसको आप नोट कर लो। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। वैसे तो पदार्थ की अवस्था तीन होती है, इसी आधार पर विलयन हो गया आपके तीन, लेकिन टोटल अगर आप देखोगे तो विलयन आपको प्राप्त होंगे नौ। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना। धन्यवाद।